आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग बॉय पे। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही शुभ प्लांट पे। ये प्लांट आपको कई जगह देखने को मिल जाता है, जैसे मंदिर में हो या और भी कहीं बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ ये प्लांट आपने देखा होगा। और ये प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है। इसके फूल जो होते हैं वो मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं, तो बहुत ही शुभ प्लांट है। इस प्लांट को तो आप ज़रूर लगाएं। और अगर आपने ये प्लांट अपने गेट के पास लगा रखा है तो बहुत ही शुभ प्लांट है। कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं आएगी अगर ये प्लांट आप लगाते हैं। और ये प्लांट बहुत ही इजीली आपको नर्सरी पे मिल जाता है। अगर आप इस साइज़ का प्लांट लेते हैं, जिस साइज़ का मैं ले रखा हूँ, मेरे प्लांट की हाइट 4 फुट है, तो इस साइज़ का प्लांट आपको नर्सरी पे 150 रुपये का मिलता है। और मैं कहता हूँ आप छोटे साइज़ का प्लांट लाइए। आप छोटे साइज़ का प्लांट को जब बड़ा करेंगे ना, तो वो आपके यहाँ अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और काफ़ी अच्छे से रहेगा प्लांट। और आप बड़े साइज़ का लाते हैं प्लांट तो उसके जो सर्वाइव करने के चांस कम हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई बेबी प्लांट लाएं और उसको फिर उस प्लांट के लिए अच्छे से मिट्टी बनाएं और मिट्टी बना के उस प्लांट को उसमें लगा दें, तो आपका प्लांट जो है सर्वाइव कर जाएगा। और ये प्लांट आपको कई कलर में मिलता है, पर जो बहुत ही लक्की जो प्लांट होता है, वैसे तो वाइट में भी आता है और ये हाइब्रिड भी इसकी वैरायटी आती है, जिसमें काफ़ी बड़े साइज का फ्लावर होता है। और इसकी मिनिएचर वैरायटी भी आती है, उस पर भी मैं आपको कभी वीडियो उसके लिए भी ले आऊँगा, आपको दिखा देंगे कैसे होते हैं। उस पर बहुत सारे फूल लगते हैं, पर जो सबसे लक्की प्लांट होता है तो वो यही है। आप देख सकते हैं यही वो प्लांट है। इसके फूल भी देख सकते हैं, बहुत ही डार्क कलर में रेड कलर के फूल लगते हैं और बहुत सारे लगते हैं। अभी बरसात का समय है तो ये प्लांट पे डेली 30-40 फूल डेली लगते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्लांट। तो आप यही प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से आपको आपकी नर्सरी पे मिल जाएगा। आप इसके फूलों का देख सकते हैं, फूल का आप साइज़ देख लीजिए और फूल की बनावट, तो आप जाके नर्सरी पे बताएंगे या आप फ़ोटो दिखा दें तो नर्सरी वाला आपको दे देगा। आप फूल की साइज़ देखिए, आपको यही फूल देख के ही नर्सरी पे अगर आप बताएंगे तो वो आपको प्लांट दे देंगे। छोटा प्लांट आपको 30-40 रुपए में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, बस आप इसको गोबर खाद जो होती है वो मिट्टी में डाल के अगर आप लगा देते हैं तो आपका जो ये प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा और फ्लावरिंग देगा। और इसको हमें सनलाइट ज़रूर देना है। अगर आपके टेरेस पे या आपके आसपास जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ अगर धूप नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत हो सकती है इस प्लांट की फ्लावरिंग में। बाकी प्लांट तो आपका ग्रीन रहेगा, बस ये है कि इसमें फ्लावरिंग कम होगी अगर आपके छत पर धूप नहीं आती है। तो आप ये ध्यान रखें, आप जिधर भी इस प्लांट को लगाते हैं तो आप ये चीज़ देख लें कि वहाँ धूप कितने देर आती है। अगर इसे दिन जो दोपहर की धूप होती है वो अगर इसे 2 से 3 घंटा मिलती है ना, तो इसके लिए बहुत है। और अगर दोपहर की धूप नहीं मिलती तो सुबह की धूप अगर इसे मिलती है 1-2 घंटा, तो भी ये आपको फ्लावरिंग करके देगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर इस प्लांट को आप लाते हैं नर्सरी पे तो अपने घर पे लगाते हैं, तो आप हो सके इस प्लांट का जोड़ा लेकर आएँ, यानी कि आप 2 प्लांट वहाँ से ले लें तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।